बहुत लोग को समझने में ये प्रॉब्लम हो रही है कि रोमन रिंग्स और जॉन सीना का फ्लूड क्या कैंसिल हो गया है, क्या अब हमको सिर्फ और सिर्फ रोमन रिंग्स और फिन बैलर का मैच देखने को मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, स्मैकडाउन पे रोमन रिंग्स ने एक्सेप्ट किया है फिन बैलर का चैलेंज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, बट नॉट इन समर स्लैम। मे बी बाद में हम लोग उनका मैच देखें, लेकिन अभी रोमन रिंग्स और जॉन सीना का फ्लूट पक्का है। लेकिन ऐसा क्यों दिखाया गया कि रोमन रिंग्स ने एक्सेप्ट नहीं किया चैलेंज? तो देखो, तुरंत WWE सब कुछ आपको नहीं देने वाली, क्योंकि अभी समर स्लैम में काफ़ी टाइम है। तो कुछ स्मैकडाउन के एपिसोड्स के लिए बहुत कुछ बचाया जा रहा है ताकि आपको बाद में माल मसाला मिले, और फाइनली हमको देखने को मिलेगा रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना इन दी समर स्लैम। फिन बैलर बाद में आएंगे। नेक्स्ट अपडेट है ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो WWE ने रिलीज कर दिया था ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपनी कंपनी से बाहर, बट जब उन्होंने ये सुन लिया कि AEW साइन करने वाली है ब्रॉन स्ट्रोमैन को, तो वापस से उनका इंटरेस्ट अब जाग चुका है ब्रॉन स्ट्रोमैन में। अजीब बात है WWE की। लेकिन हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमैन भी मानते हैं WWE को अपना, सिर्फ और सिर्फ अपना होम टाउन, और WWE में भी इंटरेस्टेड है ब्रॉन स्ट्रोमैन की। इतनी ज़्यादा फिजिक देख के उनको वापस पाना चाहती है और वापस उन्हें मॉन्स्टर अमंग मैन बनाना चाहती है। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन इज रिटर्निंग। नेक्स्ट अपडेट है सेथ और एज के बारे में। तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो आपको जरूर पता होगा कि सेथ और एज का फ्लूट होना पहले से फिक्स था, और हमको समर स्लैम में ये एक फाइनल मैच देखने को भी मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का। तो आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट अपडेट है सोनी स्पोर्ट्स इंडिया के बारे में। तो दिक्कत यह है कि लाइव होता है 5:30 बजे WWE सुबह, लेकिन वो सही टाइम पे नहीं दिखाते, ना ही लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इस वजह से हमारे प्यारे रसल चैटर ने ये ट्वीट कर दिया कि हमें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है इस वजह से। तो उन्हें रीट्वीट भी आया सोनी की तरफ से कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वेल गाइस, सब्सक्राइब।